हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने आज अंबाला छावनी में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते जोरदार प्रदर्शन किया। डेमोक्रेटिक फ्रंट की नेत्री चित्रा सरवारा के नेतृत्व में आज छावनी में जोरदार प्रदर्शन किया गया। फ्रंट के गुस्साए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अंबाला छावनी के किंग पैलेस से लेकर एसडीएम कार्यालय तक रोष मार्च निकाला और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए एक वाहन को भी धक्का मारते हुए एसडीएम कार्यालय तक लाया गया। इसके बाद चित्रा सरवारा ने राज्यपाल हरियाणा के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए चित्रा सरवारा ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद सरकार को चाहिए था कि वो जनता को कुछ राहत दे, लेकिन लगातार पिछले 19 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाकर सरकार आम जनता की कमर तोड़ रही है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम प्रति बैरल न्यूनतम स्तर पर हैं, लेकिन देश में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की टीम ने अंबाला कैंट में आज यहाँ इकट्ठे होकर एक प्रदर्शन करा है। लगभग पिछले 20 दिनों से लगातार जो पैसों में करके सरकार जो कीमतें बढ़ा रही है, आज 8 और 10 रुपए से भी ज़्यादा ऊपर उठ चुकी हैं पेट्रोल की और डीजल की कीमतें। और ये हर जगह नोट करा जा रहा है कि 15 दिनों में इससे बड़ा इजाफा शायद 2002 या बहुत पहले कभी हुआ होगा। इतना बड़ा इजाफा कभी कीमतों में आज तक नहीं हुआ है। जो ये कीमतें हैं, हैरानगी की बात है कि जो भी रिटेल प्राइस आज एक आम आदमी दे रहा है खरीदते वक्त, उसमें से लगभग 69% ऑलमोस्ट स्टेट के जो और वैट और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के अंदर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात समझ आ कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक बैरल की कीमत $40 के करीब आ चुकी है, उस रेंज में आ चुकी है, तब भी सरकार इतना बड़ा वैट जो कलेक्ट करके, इतनी बड़ी एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करके लोगों को मारने का ये काम क्यों कर रही है, ये सवाल हमारे सामने उठता ही उठता है इसके अंदर। और साथ ही में ये है कि जब पिछली बार कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस रेंज में थी, तो उस टाइम हिंदुस्तान में क्या रेट था? 2002 में $40 के रेंज में जब बैरल आया था क्रूड का, तो उस वक्त हिंदुस्तान में पेट्रोल बिक रहा था 37 रुपये लीटर, डीजल बिक रहा था 26 रुपये लीटर के करीब। तो ये इतनी बड़ी जो आज हम लगभग 70% टैक्स पे कर रहे हैं, मैं समझती हूँ ये सरकार की मजबूरी नहीं है, लेकिन मंजूरी जरूर है, उनकी मंशा है, उनका लालच है कि गिरती हुई अर्थव्यवस्था के अंदर जितना हो सके निचोड़ के हम निकाल लें। और सरकार से यही आज हमारी गुजारिश है कि अपने टैक्स रिड्यूस करे जाएँ, इस जो ये जो रेट्स हैं इन्हें वापस लाया जाए, और जो हमारी अर्थव्यवस्था लुढ़क रही है, सारे इंजन्स बंद हो रहे हैं, उसमें जो इससे तेल डलेगा, जो पेट्रोल डलेगा, जो सस्ता थोड़ा डीजल डलेगा, उससे हमारी अर्थव्यवस्था भी चलेगी और हर व्यक्ति को, वो किसी भी तरह के घर में रहता हो, समाज के किसी भी स्ट्राटा को बिलोंग करता हो, चाहे वो 1 रुपये की चीज़ खरीदता चाहे 1,000 की, उसे इसकी राहत मिले।